देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। बांदा में एक बार फिर डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जिसमें एक 30 वर्षीय महिला वो एक अज्ञात व्यक्ति का शव छद्म विच्छद रूप में अर्धनंग अवस्था पर घर के अंदर मिला है, जिसमें धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है और घटना की जाँच में जुट गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के कमासीन थाना क्षेत्र के इटरा गांव की है, जहां पर 30 वर्षीय सुनीता देवी पत्नी राम किशोर का शव एक अज्ञात व्यक्ति के साथ छत विच्छेद रूप पर अर्धनग्न अवस्था में घर के अंदर पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया और घटना की जाँच में पुलिस जुट गई है। वही ग्रामीणों का कहना है कि हमको सुबह पता चला था कि सुनीता देवी का शव किसी अज्ञात युवक के साथ उसी के घर पर पड़ा हुआ मिला है। शव को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों की हत्या किसी धारदार हथियार से हुई है। आपका विश्वनाथ त्रिपाठी, कि क्या घटना आपके गांव में हुई है? हमारे गांव में जो घटना हुई है अज्ञात है, मालूम नहीं था, सुबह जानकारी हुई है। कितने लोगों की हत्या हुई है? दो लोगों की, एक लेडीज और एक जेंट्स। जेंट्स जो है वो बाहर का है, हमारे गाँव का नहीं है, और लेडीज यहीं की है। कब आपको सूचना मिली है? सुबह। किस हालत में पाई गई हैं ये दोनों? व्यापार हालत में मिले हैं, दोनों के सर काटे हुए हैं। है आपका? राकेश कुमार मेरा नाम है, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि। ये क्या घटना हुई आपके गांव में? ये घटना आज सुबह हम लोगों को पता चला है, उसके बच्चे जब बताए हैं वर्तमान प्रधान जी से, तब गाँव वालों को और मुझे भी अवगत कराया गया, तो मैं आया हूँ। मुझे जानकारी मिली कि दोनों की लाशें जो है कटी पड़ी। क्या आपको लग रहा है कि हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? अब ये सर मालूम नहीं है, अज्ञात व्यक्ति है, गांव का है नहीं। घटना हुई यहाँ पर? देखिए, यहाँ एक सुनीता नाम की महिला थी और विधवा महिला है, उन्हीं के यहाँ उसकी डेड बॉडी मिली, एक और उसकी डेड बॉडी मिली है, और मौके पे मेरे द्वारा बरामद किया गया है। FSL की टीम आई है और आसपास के थाना प्रभारी भी आए हैं, और इनके रात में इनके बच्चे भी थे, इनसे बातचीत की जा रही है। जो हत्या हुआ है, हत्या क्या कारण है, क्या मोटिव है, और कुछ कुछ तथ्य उभर के सामने आए हैं, इसकी जांच हो रही है। और जो फैक्ट है बहुत टुकड़ों टुकड़ों में मिल रही है, जल्द से जल्द हम इस हत्या का खुलासा करेंगे। इसके पीछे क्या कारण है, कौन इसमें शामिल है, सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बताया, कमासीन थाना क्षेत्र के इटरा गांव पर सुनीता देवी नाम के महिला का शव एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिला है, जिसमें दोनों की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस टीम की जांच में लगा दिया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।